हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक पार्टनरशिप फर्म को जब हम एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी को सेल कर देते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। हमने इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, जो कंपनी हमारे बिजनेस को परचेज कर रही है हमने उसका अकाउंट बनाया, और कैश और बैंक को अकाउंट को बनाया। तीन क्वेश्चन पेंडिंग है उसके, 10th, 11th और 12th। तो हम जो तीन क्वेश्चन है 10th, 11th, 12th उसको भी दी एंड कर देते हैं और ये जो टॉपिक है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, ये अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th से। क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है, एस एंड टी वर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008 स्टूड एज फॉलोज, कैपिटल एस टी, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल, स्टॉक डेटर फर्नीचर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्लांट और बिल्डिंग, द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस वर कैरिड ऑन टिल 30th September 2008। ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31st March 2008 की। 30th September 2008 मतलब इसके 6 महीने तक हम अपना बिजनेस चलाते रहे। एस एंड टी बोथ विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एस एंड टी ने उसमें से आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। After 10% per annum had been written off on building and plant and 5% per annum on furniture. In 6 month में हमें building पर 10% per annum से, plant पे भी 10% per annum से और furniture पे 5% per annum से depreciation charge किया। During the current period of 6 month, creditor 50,000 rupees से reduce हो गए, मतलब कम हो गए। Bills payable 11,500 से reduce हो गए और बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 से रिड्यूस हो गया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी हमने 47,500 में 30 सितंबर 2008 को। स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹3,17,000, डेटर्स 3,25,000 ऑन 30th September 2008। द अदर आइटम रिमेन द सेम एज ऑन 31st March 2008। ऑन 30th September 2008 The firm sold its business to ST Limited. Goodwill was estimated at ₹540 and the remaining assets were valued on the basis of the balance sheet as on 30th September 2008. The ST Limited paid the purchase consideration in equity shares of ₹10 each. You are required to prepare a realization account and capital account of the partner. देखो ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2008 की, ठीक है, 31st March 2008 की। हमने अपने बिजनेस को एस टी लिमिटेड को सेल किया और वो सेल किया 30th September 2008 को। मतलब ये जो बैलेंस शीट दे रखी है इसके बाद हमने 6 मंथ तक अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा और 6 महीने बाद हमने अपना बिजनेस एस टी लिमिटेड को सेल कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कब की? 30th September 2008। मतलब पहले तो ये जो बैलेंस शीट दे रखी है 31st March 2008 की दे रखी है, इस दिन हमने अपने बिजनेस को सेल नहीं किया, 6 महीने तक बिजनेस चलाते रहे, 6 महीने बाद हमने अपने बिजनेस को एस टी लिमिटेड को सेल कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें 31st March 2008 की जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके बेस पर और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर हमें 30th September 2008 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करेंगे।
मगर पहले उस दिन की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आएगी 30 सितंबर 2008 की बैलेंस शीट बनाने में। उसके बाद में पार्टनरशिप फॉर्म को जो हम सेल कर रहे हैं उसके लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस। तो पार्टनरशिप फॉर्म को सेल करना तो बहुत आसान है, मगर सबसे पहले हम 30 सितंबर 2008 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट 31 मार्च 2008 की दे रखी है, उस दिन हमने बिजनेस नहीं सेल किया। उसके 6 महीने बाद हमने बिजनेस को सेल किया। तो सबसे पहले 30 सितंबर 2008 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब आप लोग ध्यान से समझना, ये सारे वर्किंग नोट है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट, एज ऑन 30 सितंबर 2008। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके आगे के जो दो क्वेश्चन हैं वो भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, इजी है, बैलेंस शीट ही तो बनानी है। ठीक है, तो रुपीज़ और ये रुपीज़। बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले स्टॉक, 2,70,000 रुपीज़ का था 31 मार्च 2008 को, मगर 30 सितंबर को कितना था इसकी वैल्यूएशन यहाँ दे रखी है। देखो यहाँ दे रखा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹3,17,000। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 3,17,000। फिर दे रखा है यहाँ पर ही आगे डेटर्स का वैल्यूएशन है 3,25,000 ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर 2008 को हमारी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है वो सब डिटेल यहाँ बैलेंस शीट के बाद इंफॉर्मेशन में दे रखी है। डेटर्स हो गए 3,25,000 के। ठीक, उसके बाद में देखो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा 31 मार्च 2008 को 75,000 का है। तो इस पे लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की रेट देखो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन की रेट 5% पर एनम है। तो 75,000 पे 5% और 6 महीने का है, तो डिवाइडेड बाय 2, 1,875, और उसको लेस किया तो ये हो गया 73,125, 73,125। फर्नीचर के बाद में हम लेते हैं अगली एसेट्स कौन सी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को यहाँ दे रखा है कि 30 सितंबर को हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर कर दिया इसका मतलब 30 सितंबर की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें JLP नहीं आएगी, क्योंकि हमने 30 सितंबर को ही उसको सरेंडर कर दिया। प्लांट 172,500, प्लांट 172,500 का है, उसमें लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 6 महीने का, 172,500 इस पे 10% पर एनम डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ का 8,625 माइनस 172,500, तो ये बचा 163,875। फिर बिल्डिंग 9,10,000, बिल्डिंग देखिए 9,10,000 की, लेस 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, 9,10,000 पे 6%, 10%, 9,10,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ का 45,500, 45,500 लग गया डेप्रिसिएशन 9,10,000 पे, तो बिल्डिंग की वैल्यू 864,500। तो जो जो एसेट्स हमें यहाँ पर डिटेल दे रखी है हमने उसके हिसाब से एसेट्स को लिख दिया। ठीक, अब बात आती है बिल्स पेबल, इधर लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। बिल्स पेबल, यहाँ दे रखा है बैलेंस शीट में 31 मार्च 2008 की बैलेंस शीट में 62,500 के, मगर यहाँ दे रखा है कि बिल्स पेबल 11,500 से रिड्यूस हो गए। तो 62,500 माइनस 11,500, बिल्स पेबल 30 सितंबर को 51,000 के। सेम इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 का, और यहाँ दे रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 से कम हो गया तो रिमेनिंग बचा 75,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 327,500 और क्रेडिटर 50,000 रुपीज़ से कम हो गए, -50,000, तो क्रेडिटर्स हो गए 2,77,500 के। और पीछे जो बचेगा वो होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, इसको भी वैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लाइव एसेट साइड की टोटल लगाते हैं। 3,17,000 प्लस 3,25,000 प्लस 73,125 प्लस 163,875 प्लस 864,500, इट इज 17 लाख। सेवनटीन लैख 43,500, इधर भी लिखते हैं 17,43,500, -51,000, -75,000, -277,500, इट इज 13,40,000। दो पार्टनर है एस और टी, इसमें एस की कितनी कैपिटल होगी, टी की कितनी कैपिटल होगी, अभी वो भी कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग मीन्स कैपिटल एज ऑन 30 सितंबर 2008 इज 13,40,000। अब इन 6 मंथ से हमें कितना प्रॉफिट मिला वो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर कभी ना कभी, तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन, क्लोजिंग कैपिटल उसमें से लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल और उसमें ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट। राइट, हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है कि हमें इन 6 मंथ में कितना प्रॉफिट मिला, क्योंकि 6 मंथ में कितनी सेल्स हुई, कितने एक्सपेंडिचर लगे, वो डिटेल तो दे नहीं रखी है। तो हम 6 मंथ का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2008 टू 30 सितंबर 2008, हमें इस 6 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का यहाँ मतलब हो गया एज ऑन 30 सितंबर 2008, पार्टनर की टोटल कैपिटल वो हमने अभी कैलकुलेट की थी 13,40,000, 13,40,000 ये कैपिटल जो अभी हमने बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की, उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग को और लेस, पहले लेस कर लेते हैं, लेस करेंगे हम इसमें से ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2008, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में एस और टी दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी होती है, दोनों की कैपिटल मिलाकर होती है 13 लाख, तो इसमें हम लेस करेंगे 13 लाख, ये कितने रिमेनिंग बचे, ये रिमेनिंग बचे 40,000। अब इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, समझना ध्यान से, यहाँ दे रखा है द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वर कैरिड ऑन 30 सितंबर, एस एंड टी बोथ विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब हमने इन 6 मंथ में जितना प्रॉफिट अर्न किया उसका हाफ अमाउंट हमने विड्रॉ कर लिया, तो हाफ बच गया। राइट, तो ये जो 40,000 है ये हाफ, मतलब ये जो 40,000 क्या है, नेट प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में, हम क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और ड्राइंग को लेस करते हैं। राइट, और ये नेट रिजल्ट आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है 13 लाख, क्लोजिंग कैपिटल हो गई 13,40,000, तो ये नेट इंक्रीज कितना हुआ, 40,000 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है नेट प्रॉफिट ऐड होना और ड्राइंग लेस होना, द नेट रिजल्ट इज 40,000। अब ये कह रहा है कि जितना प्रॉफिट हुआ उसका आधा हमने विड्रॉ कर लिया, तो आधा बच गया,
तो ये जो आधा बचा हुआ है वो 40,000 है, क्योंकि ये जो इनका डिफरेंस है वो है 40,000। तो जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उसका आधा हमने विड्रॉ कर लिया, तो जो आधा है बच गया वो 40,000 है, क्योंकि ये 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है हमने 6 मंथ में नेट प्रॉफिट अर्न किया 80,000। 80,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया, और उस 80,000 का आधा मतलब 40,000 वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। तो इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? 40,000 प्लस। तभी तो ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है वो 40,000 प्लस है। समझ गए आप? तो ये जो 40,000 है ये तो ड्रॉइंग लेस करने के बाद है, इट इज प्रॉफिट आफ्टर ड्रॉइंग, प्रॉफिट आफ्टर ड्रॉइंग। और दे रखा है कि हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया उसका आधा हमने ड्रॉइंग कर लिया, तो जो बचा हुआ है वो भी आधा ही है, जो पीछे बच गया वो भी आधा ही है। और वो जो पीछे बच गया वो कितना है? 40,000। ड्रॉइंग लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो 40,000। तो हमने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया? नेट प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू रुपीज 80,000। हमने 6 मंथ में 80,000 का प्रॉफिट ऑन किया, उसका हाफ मतलब 40,000 पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया मतलब ड्राइंग कर ली, और बाकी 40,000 कैपिटल में ऐड हो गया। राइट? अब हम एक काम और करेंगे, और वो करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं 30 सितंबर 2008 का, मतलब कंपनी को हमने अपना बिजनेस बेचा उससे पहले का, एज ऑन 30 सितंबर 2008। दो पार्टनर हैं, एस और टी, एस टी एस टी, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये पार्टनर का जो अकाउंट है, या आप इसको ऐसे लिख दो, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 टू 30 सितंबर 2008, बिफोर सेल ऑफ बिजनेस टू दी कंपनी। हम उससे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 640 और 660, 640 और 660 हमने प्रॉफिट अर्न किया बाई नेट प्रॉफिट। 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया, और रेशियो क्या है? इन दोनों पार्टनर का आपस में रेशियो इक्वल पार्टनर है, इसका मतलब प्रॉफिट 40,000 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका आधा इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो टू ड्रॉइंग 20,000 और 20,000 और टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस 6,60,000 एंड 6,80,000, 6 लाख टोटल 680, और ये 7 लाख, 680 और 7 लाख, ये पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो ये क्लोजिंग कैपिटल 660 और 680 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 660 एस की क्लोजिंग कैपिटल 30 सितंबर को, और टी की 6,80,000। ये देखिए मिल भी गया, 660 और 680 टोटल इज 13,40,000। अब पार्टनरशिप को सेल करने का जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। क्या करते हैं अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर एसटी लिमिटेड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ करना है अब हमें। तो स्टार्ट करते हैं, कैश तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, और कैश में कुछ ट्रांजेक्शन दे भी नहीं रखा है। तो हमें स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिड्रेशन। अब बैलेंस शीट कौन सी काम आएगी? जो हमने बनाई है 30 सितंबर की, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखो दे रखा है लास्ट की जो 4 लाइन, अब पढ़ते हैं। 30 सितंबर 2008 को फॉर्म ने सोल्ड किया अपना बिजनेस एसटी लिमिटेड को, गुडविल का वैल्यूएशन किया 540, और बाकी की रिमेनिंग एसेट्स वर वैल्यूड
ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2008 जो अभी हमने बनाई वर्किंग नोट में, ठीक है। और वो परचेज कंसिडरेशन कैसे पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर्स देके पेमेंट करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं पीसी। इसमें हमारे पास में एसेट्स बैलेंस शीट में स्टॉक 3,17,000, 3,17,000, डेटर्स 3,25,000, फर्नीचर 73,125, फिर प्लांट 163,875, प्लांट और बिल्डिंग 864,500, 864,500 इट इज बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल 5,40,000, 5,40,000 गुडविल के वो देंगे, लेस बिल्स पेबल, लेस क्रेडिटर्स, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस शीट में जो 30 सितंबर की बैलेंस शीट बनी उसमें बिल्स पेबल 51,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 एंड क्रेडिटर्स 277,500, 277,500 एंड द रिजल्ट इज परचेज कंसिडरेशन 3,17,000 प्लस 3,25,000 प्लस 73,125 प्लस 163,875 प्लस 864,500 प्लस 5,40,000 माइनस 51,000 माइनस 277,500 माइनस 75,000 इट इज 18,80,000 परचेज कंसिडरेशन। एक बार चेक कर लेते हैं 317,325 73,125 ओके ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। और अब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स जो बैलेंस शीट में दे रखी है 30 सितंबर 2008 की बैलेंस शीट, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग, स्टॉक 3,17,000, डेटर्स 3,25,000, फर्नीचर 73,125, प्लांट 163,875, बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू पर दे रखी है और बिल्डिंग 864,500 बाय बिल्स पेबल बाय क्रेडिटर्स और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल 51,000, क्रेडिटर्स 277,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 बाई कंपनी का नाम है एसटी लिमिटेड, बाई एसटी लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन 18,80,000 और इससे हमें होगा प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एस और टी में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं 51,000 प्लस 277,500 प्लस 75,000 प्लस 18,80,000 टोटल इज 22,83,500, 22,83,500 माइनस 3,17,000 माइनस 3,25,000 माइनस 73,125 माइनस 163,875
-864,500, इट इज 5,40,000, और ये दोनों में इक्वल डिवाइडेड बाय 2,70,000 एस और 2,70,000 टी। करेक्ट, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बना देते हैं एक अकाउंट एस टी लिमिटेड अकाउंट, जो हमारे बिजनेस को परचेज कर रहा है। वैसे क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, मगर फिर भी हम बना लेते हैं इसको। टू रियलाइजेशन 18,80,000, और उन्होंने इसके लिए क्या दिया, शेयर्स, बाई शेयर्स ऑफ एस टी लिमिटेड, इक्विटी शेयर दिए। एक इक्विटी शेयर 10 रुपीस का है, 10 रुपीस का, इट मीन्स उन्होंने शेयर्स दिए 1,88,000 शेयर्स, 1,88,000 शेयर्स एट द रेट रुपीस 10 ईच, 18,80,000। ये बन गया एस टी लिमिटेड का अकाउंट। आप जब एग्ज़ाम में बनाओ तब तो पूरी लाइन वाइन करके रुपीज़ वगैरह लिख के फिर बनाना, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एस टी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमें 30 सितंबर की जो बैलेंस शीट बनाई उसमें हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट 660 और 680, 660 और 680, फिर बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट 270 और 270। अच्छा, कैश तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब श्योर है कि ये जो 18,80,000 के शेयर्स मिले हैं वो इनको देने और उसी से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो टू, वैसे आप शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका फाइनल क्लेम किस रेशियो में होगा, वो कैलकुलेट करके उस रेशियो में बांट सकते हो, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है। शेयर्स ऑफ एस टी लिमिटेड, तो देखो इसका अमाउंट कितना बना है, एस का 660 प्लस 270, इसके बने 9,30,000, 9,30,000, 930 के इसको दे देंगे शेयर्स, क्योंकि हमारे पास कैश तो है नहीं, तो सेटलमेंट दिखती बात है शेयर से ही होना है फाइनल। वर्किंग नोट बनाओगे तो भी यही आंसर आएगा, 680 प्लस 270। हम इनको शेयर्स फाइनल क्लेम के रेशियो में बांटोगे, जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आंसर ये ही आएगा 950। तो आप भली टोटल करके चेक कर सकते हो, एस को हम 9,30,000 के शेयर्स दे रहे हैं, टी को हम 950 के शेयर्स दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर 18,80,000 के शेयर्स दे रहे हैं, बात बराबर हो गई। अगर कैश नहीं है तो दिखती बात है इनको, और क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ है कि इनको शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उतने के शेयर्स देने बराबर हो जाएगा अकाउंट। और नहीं तो आप इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, इनका फाइनल क्लेम कितना बना उस रेशियो में इनको शेयर्स बांटोगे, तो वैसा वर्किंग नोट बना के भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है 11th। पी एंड क्यू वर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, बैलेंस शीट दे रखी, कैपिटल में पी और क्यू, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक डेटर, जेएलपी, प्लांट बिल्डिंग, पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा, और ड्राइंग पी और क्यू की। द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल 30th June 2014, ये बैलेंस शीट दे रखी है 31st December 2013 की। 30th June मतलब उसके 6 महीने तक बिजनेस चलता रहा। पी एंड क्यू बोथ विड्रो इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर 10% पर एनम हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट, 5% ऑन बिल्डिंग। ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 months क्रेडिटर रिड्यूस बाय 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, जेएलपी वाज सरेंडर फॉर ₹6,000 बिफोर 30th June 2014। मतलब 30 जून की जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें जेएलपी नहीं आएगी क्योंकि हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। स्टॉक वाज कितने में सरेंडर किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
स्टॉक, क्योंकि वो उसके प्रॉफिट लॉस में ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, हम बैलेंस शीट बनाकर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹84,000, डेटर 68,000, द अदर आइटम रिमेन द सेम एज ऑन 31 दिसंबर। तो यहाँ तक तो हमें इंफॉर्मेशन काम में लेनी है 30 जून 2014 की बैलेंस शीट बनाने के लिए। उसके बाद 30 जून 2014 द फॉर्म सोल्ड इट बिजनेस टू पी क्यू लिमिटेड, द वैल्यू ऑफ गुडविल आज एस्टिमेटेड एट ₹130 एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2014। द पी क्यू लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज ऑन 30 जून। ये देखो इसने तो दे रखा है कि आप बैलेंस शीट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपको और पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देम। बहुत ईजी है, जैसा पहले क्वेश्चन किया था, बस ये थोड़ा सा एक तो पी एंड एल दे रखा है बैलेंस शीट में, एक ड्राइंग दे रखी है, ये नया पॉइंट है, बाकी तो सेम टू सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट बनाना, फर्स्ट पॉइंट का आंसर करते हैं ए पॉइंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 30 जून 2014, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अभी दे रखे हैं 80,000 के और ये क्रेडिटर 20,000 से कम हो गए तो रिमेनिंग बचे 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 45 और ये 5,000 से कम हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 और रिमेनिंग आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पी और क्यू की कैपिटल, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद दे रखा है डेटर्स, जेएलपी हमने सरेंडर कर दी इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगी, प्लांट बिल्डिंग, प्लांट उस पर लेस होगा डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग लेस होगा डेप्रिसिएशन। ये जो पी एंड एल है हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, ये ड्राइंग भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो सब भी नहीं आना है तो हम देखते हैं स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 84,000, देन डेटर्स का वैल्यूएशन 68,000, प्लांट हमें दे रखा है 160 का, इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 6 महीने का, डेप्रिसिएशन है 10%, तो 160 का 10% होता है 16,000 और 6 मंथ का होता है 8,000, तो आएगा 152,000। बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 48,000, इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 5%, तो 48,000 का 5% होता है 2400, 6 मंथ का होता है 1200, तो इसकी वैल्यू हो गई 46,800। अब हम कैलकुलेट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस आएगा, 84,000 प्लस 68,000 प्लस 1,52,000 प्लस 46,800, इट इज 3,50,800, 3,50,800, 350,800 में से ये माइनस हो जाएंगे तो रिमेनिंग बचेगा 250,800, जिसमें पी और क्यू दोनों की कैपिटल आ जाएगी। हम बनाते हैं इनका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दो बनेगा, एक तो अप टू 30 जून, तो यहाँ लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं 1 जनवरी 2014 टू 30 जून 2014, दो पार्टनर है, एक पी और दूसरा क्यू, पी और क्यू, जो बैलेंस दे रखा है हमें बैलेंस शीट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस दे रखे 150 और 130 के,
150 और 130 के बैलेंस दे रखे हैं, हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना, अभी प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, जो बैलेंस शीट में P&L दे रखा है ये तो 31 दिसंबर तक है, तो जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं 30,000 के, वो हम राइट ऑफ कर देते हैं। टू P&L 30,000 के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 15,000, 15,000 ये अप टू 31 दिसंबर तक के लॉसेस थे जो हमने राइट ऑफ कर दिए, 15,000, 15,000, राइट। यहाँ तक की ड्राइंग 31 दिसंबर तक की ड्राइंग 9,000 और 7,000, तो टू ड्राइंग 9,000 और 7,000, ये ड्राइंग अप टू 31 दिसंबर की थी, ये अलग अलग दे रखा था, इनको हमने एडजस्ट कर दिया। मतलब एक तरह से पी की कैपिटल 31 दिसंबर को कितनी थी, 150 की कैपिटल थी, -15,000 और -9,000, 126 की कैपिटल थी, आप समझ रहे हो। ये एडजस्टमेंट 1 जनवरी के ही है, ये 6 महीने का प्रॉफिट नहीं है, ये तो अभी तक जो 31 दिसंबर तक जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो हमने राइट ऑफ किए, 31 दिसंबर तक की जो ड्राइंग थी वो हमने लिखी है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इनके बैलेंस को यहाँ पर ही एक बार आगे ले लेते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी हमने केवल 1 जनवरी के जो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट दे रखे थे केवल वो ही एडजस्टमेंट किए हैं, 150 और 130। 150 में से माइनस करेंगे 24,000 तो ये बच गई कैपिटल 126, और 130 में से माइनस करेंगे 22,000 तो इसकी कैपिटल हो गई 1,08,000। अब हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब हम 6 मंथ के एडजस्टमेंट करेंगे 126 और 1,08,000। अब हम 6 मंथ का जो प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे, 6 मंथ में जो ड्राइंग की वो लेस करेंगे, और उसके बाद 30 जून के बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसमें 3-4 लाइन छोड़कर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग 1 जनवरी 2014 टू 30 जून 2014। सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल मतलब एज ऑन 30 जून 2014, 30 जून 2014 को क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की, बैलेंस शीट जो बनी थी उसमें क्लोजिंग कैपिटल है दोनों की टोटल होके 2,50,800, 2,50,800, उसमें से लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो हमने 1 जनवरी वाले एडजस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेट की, पी की कैपिटल 126 और क्यू की 1,08,000, 126 प्लस 1,08,000 इट इज 2,34,000, 16,800 इट इज प्रॉफिट आफ्टर ड्रॉइंग, प्रॉफिट आफ्टर ड्रॉइंग। अब यहाँ दे रखा है कि जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया उसका 50% उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिखा था 16,800 मल्टीप्लाई बाई टू इट इज 33,200, 33,600, 33,600 करेक्ट। तो अब हम इस कैपिटल अकाउंट को यहां पे कंप्लीट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 33,600 डिवाइडेड बाय टू, इक्वल पार्टनर है तो 16,800 पी, 16,800 क्यू, और उसका आधा उन्होंने ड्राइंग कर ली। वो ऊपर जो ड्राइंग है वो तो 31 दिसंबर तक की ड्राइंग थी, वो हमने एडजस्ट करके उनका ओपनिंग कैपिटल सही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ड्राइंग 16,800 का हाफ होता है 8,400, इसने भी 8,400 की ड्राइंग कर ली, इसने भी 8,400 की ड्राइंग कर ली, और रिमेनिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,26,000 प्लस 16,800 इट इज 142,800, 142,800 में से माइनस करेंगे 8,400 इट इज 134,400, 1,08,000 प्लस 16,800 इट इज 124,800, 124,800 माइनस 8,400 इट इज
116400, तो 134400 और 116400, 134400 एंड 116400, अगर इन दोनों की टोटल करोगे 134400 प्लस 116400 तो ये हो गया 250,800। तो ये हमारी बैलेंस शीट 30 जून की कंप्लीट हो गई, और ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिए 1 जनवरी 2014 टू 30 जून 2000। अभी तक हमने कंपनी का बिजनेस, फर्म का बिजनेस सेल किया उससे पहले का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। और ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन 6 मंथ में हमने जो प्रॉफिट अर्न किया आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद में अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो नई कंपनी है जिसने बिजनेस को परचेज किया है उसका अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। बी पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेबल, बाई नई कंपनी का जो नाम है वो है PQ लिमिटेड, बाई PQ लिमिटेड, करेक्ट। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट वाली वैल्यू, स्टॉक 84, जो बैलेंस शीट हमने 30 जून की बनाई 8468, 8468,000, प्लांट 152 और 46800, क्रेडिटर्स 60,000। अच्छा, बिल्स पेबल नहीं है उसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, और यह आएगा PC जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टॉक को बुक वैल्यू पे टेक और किया 84,000, डेटर को बुक वैल्यू पे 68,000, प्लांट को बुक वैल्यू पे 1,52,000, बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे 46,800, करेक्ट। इसके बाद में हमें क्रेडिटर्स गुडविल, गुडविल का यहाँ पर वैल्यूएशन दे रखा है गुडविल 1,30,000, तो गुडविल 1,30,000 पे टेक ओवर किया, लेस क्रेडिटर्स 60,000 और लेस बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज 40,000 एंड इट इज परचेज कंसिडरेशन। 84,000 प्लस 68,000 प्लस 1,52,000 प्लस 46,800 प्लस 1,30,000 माइनस 1,00,000, इट इज 380,800। तो ये जो PC हमने कैलकुलेट किया 380,800, ये PC लिख देते हैं हम रियलाइजेशन में, और कैलकुलेट करते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इनका आपस में रेशियो है 1:1, तो ये टोटल आएगी 480,800, 480,800, 0800 माइनस 84,000 माइनस 68,000 माइनस 1,52,000 माइनस 46,800, इट इज़ 1,30,000, जो इन दोनों में 65,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाएंगे
पीक्यू लिमिटेड का अकाउंट, टू रियलाइजेशन पीसी है 380800, और उसके लिए उन्होंने दिए हमें शेयर्स, बाय शेयर्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड, उन्होंने हमें शेयर्स दिए 380800 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 380,800। और अब फाइनली हम बना देते हैं, यहाँ भी कैश है नहीं तो हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी और क्यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 30 जून का जो हमने उनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था वहाँ से बैलेंस 134,400 और 116,400, 134,400, 116,400 बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट 65,000, 65,000, और इनको दे देंगे शेयर्स, टू शेयर्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड 134,400 प्लस 65,000 इट इज़ 199,400, 199,400 के शेयर्स देंगे पी को, और 116,400 प्लस 65,000 181,400 के शेयर्स देंगे क्यू को। वर्किंग नोट बना सकते हो आप, फाइनल सेटलमेंट के रेशियो में बांटोगे तो यही अमाउंट आना है 199,400। इट इज़ टोटल शेयर्स हमने दिए 380,800 और उतने ही हमें मिले थे, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 11th। इसके बाद में हम करेंगे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, अली एंड बीटा वर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2015, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, डेटर, जीएलपी, मशीनरी, लीज होल्ड प्रीमाइजेस, पीएनडल और ड्राइंग। अभी जो क्वेश्चन किया था 11th, सेम वैसा ही है। द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वर कैरिड 30 जून, पी एंड क्यू बोथ विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट, हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, आफ्टर 10% पर एनम हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट एंड 5% ऑन लीज होल्ड प्रीमाइजेस। ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्रेडिटर रिड्यूस बाई 24, बैंक ओवरड्राफ्ट 36, जेएलपी सरेंडर हो गई 21,600 में बिफोर 30 जून, स्टॉक वॉज वैल्यूड 180, डेटर्स 144 ऑन 30 जून 2016, अदर आइटम रिमेन द सेम एज ऑन 31 दिसंबर 2015। 30 June 2016, the firm sold its business to a limited company. The value of goodwill was estimated at ₹240 and the remaining assets were valued on the basis of the balance sheet as on 30 June 2016. Limited company paid the purchase consideration in equity shares of ₹10 each. You are required to prepare balance sheet of the firm, realization account, partner capital account showing the final settlement between them. Same question, केवल और केवल partner के नाम change हो गए और amount change हो गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 30 June 2016। स्टॉक, डेटर, यहां पर मैंने कहा लिख रहा है भाई, लाइबिलिटी साइड है ये, तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट,
और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, उसमें दो पार्टनर है, अली और बीटा, अली और बीटा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं 31 दिसंबर की 1,44,000, और ये कम हो गए 24,000 से, -24,000, नाउ इट इज़ 1,20,000, 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है 84,000 का, ये भी कम हो गया 36,000 से, रिमेनिंग इज 48,000। फिर स्टॉक डेटर, मशीनरी जीएलपी नहीं आएगा, वो सरेंडर हो चुकी है, मशीनरी और लीज होल्ड प्रीमाइजेस, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो ये आएगा लेस डेप्रिसिएशन, प्रीमाइजेस उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है तो लेस डेप्रिसिएशन। स्टॉक 144 दे रखा है और ये अब दे रखा है 180 का वैल्यूएशन, तो 1,80,000। डेटर का वैल्यूएशन दे रखा है 1,44,000। फिर मशीनरी 3,60,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 3,60,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ का 18,000, और ये नेट हो गया 3,42,000। प्रीमाइजेस 81,600, 81,600 पे 5%, और 6 मंथ का 2,040, 2,040, 79,560, 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3,42,000 प्लस 79,560, इट इज 7,45,000 560, 7,45,560 माइनस 1,20,000 माइनस 48,000, इट इज 577,560, करेक्ट। अली और बीटा की कैपिटल का बैलेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ड्यूरिंग 6 मंथ, 1 जनवरी 2016 टू 30 जून 2016, हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल एज ऑन 30 जून 2016, इट इज 577,560 लेस कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2016। अब देखो ये कैसे, यहाँ पर दोनों की कैपिटल मिलकर होती है 3,36,000 प्लस 3,12,000, दोनों की कैपिटल मिलकर 648, उसमें से माइनस करते हैं 62,400, पी एंड एल का जो बैलेंस है वो यहाँ से राइट ऑफ होना है, और माइनस ये जो ड्राइंग है यहाँ तक की 38,400, माइनस 38,400, इट इज़ 547,200, 547,200। तो प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग इट इज 30,360, हाफ प्रॉफिट उन्होंने कैलकुलेट एंड विड्रॉ कर लिया, तो नेट प्रॉफिट 30,360 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 60,720। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी 2016 टू 30 जून 2016, अली और बीटा, अली और बीटा, अली और बीटा का आपस में रेशियो इक्वल है, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ 336, 336 एंड 312,000 टू पी एंड एल और टू ड्रॉइंग। जो बैलेंस शीट में पी एंड एल का बैलेंस दे रखा है उसको राइट ऑफ करते हैं। पी एंड एल है 62,400, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 31,200, 31,200। बैलेंस शीट में जो ड्राइंग दे रखी है, बैलेंस शीट में ड्राइंग दे रखी है 24,000 और 14,400, 24,000 और 14,400 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये अभी हमने बैलेंस शीट वाले एडजस्टमेंट जो 31 दिसंबर के थे वही किए हैं, 336 और 312,000, 336 और 312,000, 336 माइनस 31,200 माइनस 24,000, इट इज़ 2,80,800, 312,000 माइनस 31,200 माइनस 14,400, इट इज़ 266,400। अब लेते हैं इसको आगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,80,800, 266,400, ये 266,400 और 2,80,800 ये दोनों मिलाकर 547,200 जो हमने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल की। ठीक, अब हम इसमें बाई नेट प्रॉफिट, जो 6 मंथ का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऑन किया हमने, 60,720, इसको दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,360, 30,360, प्रॉफिट का हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो 30,360 का हाफ होता है 15,180, 15,180, और पीछे बच गया बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,80,800 प्लस 30,360, इट इज़ 3,11,160 माइनस 15,180, 2,95,980, 266,400 प्लस 30,360, 296,760, 296,760 माइनस 15,180, 2,81,580, तो 299, 295,980, 295,980 और 281,580। और ये दोनों मिलाकर हो गई 577,560। ये हमने बैलेंस शीट और यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पहले पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में भी कर सकते हैं मगर पहले कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, प्रीमाइजेज, गुडविल, लेस क्रेडिटर्स, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द रिजल्ट इज पीसी। स्टॉक को बैलेंस शीट वैल्यू, ध्यान रखना बैलेंस शीट जो हमने बनाई है 30 जून की, वो फिगर काम आएंगे। स्टॉक 1,80,000, 180, डेटर्स 144, बैलेंस शीट वैल्यू पर ही उन्होंने एसेट्स को टेक ओवर किया, मशीनरी 342, प्रीमाइजेज 79,560, गुडविल दे रखी है यहाँ पर 2,40,000 गुडविल, 2,40,000 की गुडविल, क्रेडिटर्स 120 और
बैंक ओवरड्राफ्ट 48,000, तो पीसी आएगा 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3,42,000 प्लस 79,560 प्लस 2,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 48,000, इट इज़ 817,560। तो यहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। टू स्टॉक 1,80,000, टू डेटर्स 1,44,000, टू मशीनरी 3,42,000, टू प्रीमाइजेज 79,560, टू गुडविल, गुडविल नहीं, बुक्स में नहीं है गुडविल, तो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में बाई क्रेडिटर्स 1,20,000, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट 48,000, बाई लिमिटेड कंपनी अकाउंट, नाम नहीं केवल यही है लिमिटेड कंपनी, परचेज कंसिडरेशन 817,560, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अली और बीटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 817,560 टोटल इज 985,560, 985,560 माइनस 1,80,000 माइनस 144,000 माइनस 342,000 माइनस 79,560, इट इज़ 2,40,000 डिवाइडेड बाई टू, 1,20,000, 1,20,000। देन लिमिटेड कंपनी अकाउंट, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट टू रियलाइजेशन 817,560 बाई शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, 81,756 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 817,560 अब हम बनाएंगे सबसे लास्ट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अली और बीटा, अली और बीटा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 295,980, 295,980 एंड 281,580, 281,580 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 1,20,000, 1,20,000, टू शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी टू 95,980 प्लस 1,20,000 415,980, 415,980 281,580 प्लस 120 401,580, 401,580। इन दोनों को हमने कितने शेयर्स दिए, देखो अली को दिए 4,15,980 प्लस
बीटा को दिए 401,580, दोनों को मिलकर टोटल दिए 817,560, और हमें शेयर्स मिले कितने थे 817,560, करेक्ट। कैश अगर कुछ है ही नहीं तब तो जितने के शेयर्स इसे मिले वो इनको देने हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है कि किस रेशियो में शेयर्स को बांटा जाएगा, तो हमें फाइनल क्लेम के रेशियो में बांटना है। तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट भी बना सकते हो फाइनल क्लेम, और उस फाइनल क्लेम के रेशियो में शेयर्स बांटोगे, वैसा आंसर यही आना है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी। टोटल 7 क्वेश्चन थे, हमने इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, तो फिर अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।